खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही ये तस्वीरें भी देख लीजिए, बिल्कुल उसी तरीके की तस्वीरें जो इससे पहले 2004, 2009, 2014 में देखने के लिए मिली। राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करते हुए उनके बिल्कुल बराबर में, ठीक बराबर में हरे रंग की साड़ी में खड़ी हुई है उनकी मां सोनिया गांधी, उनके बराबर में लाल रंग की साड़ी में खड़ी हुई है उनकी बहन प्रियंका गांधी और सफेद कुर्ते पजामे में प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा भी साथ में खड़े हुए हैं। तो 2004, 2009, 2014 की तरह ही इस बार 2019 की तस्वीरें भी राहुल गांधी अमेठी से बतौर उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करते हुए अमेठी, जहां 6 मई को वोट डाले जाने हैं। जी वेणु जी, देखिए हालांकि कांग्रेस गठबंधन में शामिल नहीं हुई यूपी में, मगर ये तो साफ कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी और मायावती बीएसपी ने ये जाहिर कर दिया कि जहां जहां बड़े लीडर खड़े होंगे वहां पे 1-to-1 फाइट होगा, और जहाँ जो उन चाहे जहाँ से अखिलेश यादव खड़े हुए, मायावती या राहुल गांधी, वहाँ पे मेरे हिसाब से वहाँ पे 1-to-1 फाइट है और वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है कि वोट ट्रांसफर होना चाहिए। हालांकि दिबांग ठीक है ना, अभी तक मायावती ने बिल्कुल क्लियरली बोला ना हो, शायद हो सकता है चुनाव से कि एक दो दिन पहले कुछ बोल भी दे, तो अंडरस्टैंडिंग तो है। आपको क्या लग रहा है दलित वोट किसकी तरफ जाता हुआ आप देख रहे हैं? मायावती का अगर साथ छोड़ रहा है तो दलित वोट आपको लग रहा है कि बीजेपी को पड़ेगा? वो तो कांग्रेस के खाते में ही जाएगा। मुझे नहीं लगता कि दलित वोट बीजेपी को पड़ेगा, क्योंकि दलितों में भी जो दलित और मुस्लिम में दोनों की बात कर लेते हैं, दोनों जो मुसलमान तो क्या देगा नहीं बीजेपी को, दलितों में जो 2014 में जो जिस तरह उन्होंने मोदी जी को वोट किया था, इस बारी ये सर्वे भी बता रही है और ये पत्रकार भी जो वहां से आए कह रहे हैं कि दलित उस तादाद में वोट नहीं करेगा। दिबांग आप सहमत हैं वेणु से? देखिए दलित वोट, ये बात भी समझने वाली है कि दलित वोट ऐसा नहीं कि पूरा बीजेपी से परहेज रखते हैं, ऐसा नहीं कि दलित वोट अगर बीएसपी को नहीं देंगे तो कांग्रेस को ही देंगे। ये जो बाध्यता थी ये कुछ चुनावों पहले थी, ये ऐसा अब नहीं है। मेरे ख्याल से बीजेपी जो है उसने भी कोशिश करके दलित नेताओं को उभार के दलितों तक पहुंचने की उन्होंने पूरी कोशिश की है और वो दिखाई भी देती है। अगर आप 2014 की बात करें तो वहां तो बहुत ज्यादा ये दिखाई दी। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो उनको वोट नहीं देंगे तो उन्हीं को देंगे। मैं बात ये कह रहा था कि गठबंधन ने वो सीटें छोड़ी हैं, गठबंधन ने वहां समर्थन नहीं दिया है और बीएसपी का करीब 1 लाख के आसपास का वोट वहां पर है जो पिछले दो चुनावों में देखा गया। तो अगर उसको साफ संकेत जाएगा तो इनकी राह और सरल होगी। जब तक वो साफ संकेत नहीं है तब तक इनको मेहनत जरूर वहां पर करनी पड़ेगी। तो इस बार आप फिर एक बार इसी बात को कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा जिसको जैसे बीजेपी प्रेजेंट कर रही है कि बहुत बड़ी चुनौती है और बड़े अंतर से हराएंगे राहुल गांधी को, इसीलिए वो भाग रहे हैं, चुनौती उतनी बड़ी नहीं है राहुल गांधी को, आप यहां से क्लियर जीतते हुए देखते हैं? मैं इस तरह के उससे अक्सर बचा करता हूं, आपको शायद मालूम नहीं है इस बात का, पर मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्ट, मुझे ज्यादा रुचि इस बात में है ये देखने में कि अगर बीजेपी ऐसा करे तो जाहिर है क्योंकि बीजेपी वहां पर चुनाव लड़ रही है, स्मृति ईरानी लगातार मेहनत वहां पर कर रही है, राज्य सरकार उनकी है, और मैं आपको बोल रहा हूं कि योगी वहां पर बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, आपको मेहनत करते हुए दिखाई भी देंगे और मेहनत भी करेंगे, प्रधानमंत्री स्वयं वहां पर लड़ेंगे, तो जाहिर है वो इनको बड़ी लड़ाई बनाएंगे। इसलिए भी बड़ी लड़ाई बनाएंगे क्योंकि राहुल गांधी इस बार पिछली बार के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, तो उस हालत में जरूर वहां पर पूरी लड़ाई होगी। लेकिन क्या इस समय राहुल गांधी थोड़ा सा उनको एज है? जरूर उनको एज है।